गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब। रूट्स टू रूट्स विरसा तबला क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी ही दुखद घटना घटी है हमारे भारत में, हिंदुस्तान में। एक ऐसे लेजेंडरी पर्सन जो हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में हर जगह जिनको जाना जाता था उनकी छवि के लिए, एक महान पुरुष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे पुरुष, ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्तित्व, उसका दोबारा से मिल पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है। वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बहुत बड़े कला मर्मज्ञ, कला प्रेमी और खुद बहुत बड़े साहित्यकार, कवि थे वो। इसलिए आम लोगों के परेशानियों को, दुख को वो भली भांति समझ पाते थे। आज ये क्लास उनको समर्पित है, श्रद्धांजलि है उनको। और आज हम नया सेशन शुरू करेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको तेटे के कायदे बताए थे, उसमें करीब 20-25 पलटे हमने बताए और तिहाई बताई, वो एक कायदा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी ताल, तीन ताल में आज एक नया कायदा शुरू करेंगे, जिसमें तिरकिट के बोल आएंगे और सिर्फ शुद्धता से तिरकिट के ही बोल होंगे और कोई दूसरे बोल उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इस प्रकार से तबला में रियाज किया जाता है कि हर एक बोल का रियाज आपको अलग अलग कायदे में मिल जाए। तो हमारे उस्तादों ने जिस तरह हमें बताया है कि तेटे, प्योर तेटे का कायदा अलग, उसमें कुछ भी ना मिक्स हो, उसी प्रकार तिरकिट का कायदा आज मैं आपको बताऊंगा और उसके निकास भी बताऊंगा, क्योंकि तिरकिट अलग अलग घरानों में अलग अलग प्रकार से बसते हैं, खासकर दो प्रकार से। एक तो दिल्ली, अजराड़ा और फरुखाबाद घराने में तिरकिट बजते हैं बीच की उंगलियों से, ती र ती त। लेकिन बनारस और पंजाब में ये चूंकि बहुत जोरदार अगर बजाना है आपको और अपने गट्टों को मजबूत करना है, गट्टे मीन्स कलाइयों को, तो उसके लिए तिरकिट का जो निकास है वो हम मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को एक साथ मारेंगे ती, और इंडेक्स फिंगर को फिर मारेंगे रा, और लेफ्ट हैंड में की, और वापस रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर एक साथ टा होगा, तो ती रा ती ता। ये निकास है तिरकिट का, और ये बराबर की लय से हमेशा दुगुन में बसती है कि जैसे अगर हमने बजाया धा धा तो तिरकिट बजेगा तीर कीट, तो ये डबल की लय हो गई। सिर्फ तिरकिट में ऐसा है क्योंकि ये चार बोलों का एक समूह है, इसमें 4 times यूज हो रहे हैं ती र की ट, तो चार बोल हैं इसमें, इसलिए ये थोड़ा धा धा से तेज बसता है और डबल की लय होती है तिरकिट की। तो आज पहला बोल कायदा नंबर 2, तिरकिट धा धा, तिरकिट धा धा, तू ना ता ता, तिरकिट धा धा तू ना। ये आपको मैं बता रहा हूँ, बजा के भी बताऊंगा, बोल के भी बता रहा हूँ। तीन ताल में ये बंदिश है तिरकिट कायदे की, धा धा ती र, धा धा
और जब ये डबल करेंगे तो ये बजेगा दा दा ती रे ती ते दा दा तुन दा 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 ती रे ती ते दा दा तुन दा 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 ती रे ती ते दा दा तुन दा 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 ती रे ती ते दा दा तुन दा। तो ये पहला बोल हुआ कायदे का, जिसको हम बंदिश कहते हैं। इसके आगे मैं आपको पलटे और बताऊंगा, कम से कम 3-4 पलटे आज मैं बताऊंगा आपको। वो रियाज करना है और फिंगरिंग का ध्यान रखते हुए, लय का ध्यान रखते हुए, और रियाज करने का जो तरीका है, जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स जो है बहुत मुश्किल होता है वैसे बताना, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो रियाज करने के तरीके हैं वो ये है कि आप विलंबित लय में सारे बोलों को ठहर ठहर कर आराम आराम से अपने फिंगर के बैलेंसिंग को समझते हुए और बजाना है, और एक एक बोल को कम से कम 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक अगर आप रियाज करते हैं तो आपके हाथ, आपके फिंगर, आपकी उंगलियां सब सेट हो जाती हैं, क्योंकि ये रिदम जो है वो पूरी तरह आधारित है टाइम पर, इसमें स्पीड है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें फिजिक्स का कमाल है। एक बोल से दूसरे बोल के बीच की दूरी, वो दूरी बराबर होनी चाहिए, वो टाइम साइकिल बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो वो एक अच्छा तबला वादक जरूर बन सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कायदा नंबर 2 धा धा त्रिकेट का। पहला बोल धा धा तीर कीट धा धा तुन ना ता ता तीर कीट धा धा तुन ना। फिर से बजा रहा हूं मैं धा धा तीर कीट धा धा तुन ना ता ता तीर कीट धा धा तुन ना धा धा तीर कीट धा धा तुन ना ता ता तीर कीट धा धा तुन ना। इसमें हाथ का जो रख रखाव है, जो मारने का तरीका है, वो आप बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम तीर कीटे बजाते हैं तो फिंगरिंग जो हो रही है वो फिंगर की एक सीढ़ी सी बनती है। ती मारने के बाद रा मारेंगे तो बाकी के हाथ इस प्रकार से उठ जाएंगे, तो ये एक सीढ़ी बन रही है ऐसे, तो आपका वेट सही आएगा बोलों पे। ती र, फिर लेफ्ट हैंड बाएं से आप की और वापिस उठाएंगे तो टा ये लगेगा, तो बहुत जोरदार बोल बजेगा और वेट आएगा। ती र ती त, और धा मारेंगे कलाई के जर्क से, धा धा ती र की त धा धा तुन ना ता ता ती र की त धा धा तुन ना। सेकेंड बोल इसके पलटे हैं, इसको 2 टाइम बजाएंगे, धा धा तीर कीट धा धा तीर कीट धा धा तुन ना धा धा तुन ना। तुन मारने में भी जब हम मारते हैं तो ये थंब पे टिकता है, गजरे पे थंब रहता है, और ये इंडेक्स फिंगर टच हो करके और थंब पे टिक जाती है, और एक उंगलियों की सीढ़ी सी बनती है, तो आपका साउंड प्रोड्यूस होगा अच्छा। और
साउंड प्रोडक्शन बहुत क्लियर होगा तुन का, टी रे की टे टू टाइम ता, टी रे की टे धा धा तुन ना धा धा तुन ना ता ता, टी रे की टे ता ता, टी रे की टे धा धा तुन ना धा धा तुन ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड नंबर बोल है, दो बार धा धा तेरेकेट बजाएंगे और दो बार धा धा तूना बजाएंगे। मैं फिर से बोल भी रहा हूँ और साथ में बजा भी रहा हूँ, धा धा टी रे की टे धा धा, टी रे की टे धा धा तुन ना धा धा तुन ना ता ता, टी रे की टे ता ता, टी रे की टे धा धा तुन ना धा धा तुन ना धा धा, टी रे की टे धा धा, टी रे की टे धा धा तुन ना धा धा तुन ना ता ता, टी रे की टे ता ता, टी रे की टे धा धा तुन ना धा धा तुन ना। थर्ड नंबर बोल होगा, थ्री टाइम हम धा धा तेरेकेट बजाएंगे और वन टाइम धा धा तूना बजाएंगे। थ्री टाइम धा धा तेरेकेट और वन टाइम धा धा तूना, तो ऐसे हमारे विभाग कवर होते हैं फोर फोर के। हम तीन ताल बजा रहे हैं, इसमें 16 बीट्स हैं और फोर काइंड्स हैं, इसके विभाग हैं चार और हर विभाग में चार चार मात्राएं हैं। तो जो बोल और बंदिश बनते हैं वो उन विभागों को ध्यान में रखते हुए हमारे उस्तादों ने, हमारे गुरुओं ने बनाया है। तो हम थ्री टाइम तीन नंबर बोल, धा धा टी रे की टे धा धा, टी रे की टे धा धा, टी रे की टे धा धा तुन ना ता ता, टी रे की टे ता ता, टी रे की टे धा धा तुन ना। अब इसमें जो खाली के बोल आ रहे हैं उसमें मैं ताता तिरकेट टू टाइम ले रहा हूँ, वन टाइम धाधा तिरकेट ले रहा हूँ और वन टाइम धाधा तूना ले रहा हूँ। तो इस तरह जो धाधिन धिंदा का बंदिश बजता है और धातिन तिंता खाली आता है, ऐसे ही हम बोलों में भी प्रयोग करते हैं कि हम वो जो ताल है उसकी गरिमा के साथ, ताकि समझने में आसानी हो और बजाने में भी खाली और भरी का पहचान क्लियर रहे, लोग आसानी से आपके बोलों को समझ सकें कि वो तीन ताल में ही बज रहा है। तो हम जब पहला शुरू करते हैं तीन बार, धा धा तीर कीट धा धा, तीर कीट धा धा, तीर कीट धा धा, तू ना ता ता खाली शुरू हुआ ता ता, तीर कीट ता ता, तीर कीट देन धा धा, तीर कीट धा धा तू ना। तो ये एक बोल कंप्लीट हुआ नंबर थ्री, मैं बजा के बता रहा हूँ आपको, धा धा तीर कीट धा धा, तीर कीट धा धा, तीर कीट धा धा तुन ना ता ता, तीर कीट ता ता, तीर कीट धा धा, तीर कीट धा धा तुन ना।
रिपीट कर रहा हूं अगेन ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये तीसरा नंबर का बोल कंप्लीट हुआ। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, एक पलटे और बताऊंगा मैं आपको नंबर फोर के। इसमें ग्रेजुअली ऐसे बढ़ा जाता है जिसको बरतना कहते हैं। किसी भी कायदे को जैसे हम गाने में आलाप करते हैं और उसके बाद वो आलाप की बंदिशें बढ़ती रहती हैं, राग का विस्तार होता है, इसी तरह कायदे का विस्तार होता है। और कायदे में पलटे एक के बाद एक, एक के बाद एक चेंज होते हैं ताकि मोनोटोनस ना हो एक ही बोल बजाने से। तो लोगों में क्यूरियसिटी बढ़ी रहती है कि अब नया बजेगा अब। इस प्रकार नंबर फोर, इसमें हम तिरकिट को थ्री टाइम लेंगे, वन टाइम धा धा बोलेंगे। मैं बोल के आपको बता रहा हूँ नंबर फोर बोल है धा धा। तीर कीट तीर कीट तीर कीट धा धा तीर कीट धा धा तू ना ता ता तीर कीट तीर कीट धा धा तीर कीट धा धा तू ना। मैं बजा के दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल बोल है लेकिन अगर आप ये बजा लेते हैं तो तबले के हर बोल बजाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं आपको नंबर फोर बोल पलटे बजा के बता रहा हूँ धा धा तीर कीट तीर कीट तीर कीट धा धा तीर कीट धा जब तेरे किटे कंटिन्यू बजाएंगे तो जो मिडिल रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है वो तीर कीटे, देन फिर यहीं से शुरू होता है तीर कीटे। जो ती के बोल हैं वो मिडिल रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से ही शुरू होंगे। पहला बोल तेरे किट का तीर कीटे तीर कीटे तीर की। तो ये तेज भी बजा के मैं बताऊंगा कैसे बजेगा। फिलहाल आप चार नंबर बोल फिर से समझ लीजिए धा धा तीर कीट तीर कीट तीर कीट धा धा तीर कीट धा धा तुन ना ता ता तीर कीट धा धा
नंबर चार बॉल हुए, मैं एक और पलटे आज आपको बताऊंगा, उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तबले से और संगीत से जुड़ा हुआ, तो आप अपने हाथ इरेज करके पूछना। अभी मैं नंबर फाइव पलटे बता रहा हूँ आपको, ये टू टाइम बजेगा फिर से, जो तिरकिट तिरकिट के बोल हैं, और वो इस प्रकार है। नंबर फाइव, धा धा, तीर कीट तीर कीट, तीर कीट धा धा, तीर कीट तीर कीट, तीर कीट धा धा, तीर कीट धा धा, तुन ना धा धा, तीर कीट धा धा, तुन ना ता ता, तीर कीट तीर कीट, ता ता, तीर कीट तीर कीट, तीर कीट धा धा, तीर कीट धा धा, तुन ना धा धा, तुन ना। आपको इसके लय के अलग अलग प्रकार में बजा के बताऊंगा, जैसे विलंबित, और फिर विलंबित लय के बाद मतलब ठा, और उसके बाद दुगुन, और फिर चौगुन। इस प्रकार से हम कायदे का विस्तार करते हैं। तो ये बोल जो है वो मैं आपको अलग अलग लय में बजा के बताता हूँ। जैसे ठा में है धा धा, टी रे टी टे धा धा, तुन ना ता ता, टी रे टी टे धा धा, तुन ना। अब इसकी दुगुन होगी धा धा, टी रे टी टे धा धा, तुन ना ता ता, टी रे चौगुन होगी इसकी दादा तेरे खेत दादा तुन्ना दादा। और इसकी आठ गुन भी होती है, वो दादा तेरे दादा तुन्ना दादा तेरे दादा तुन्ना दादा तेरे दादा तुन्ना दादा तेरे दादा तुन्ना। नंबर टू बोल दादा तेरे दादा तेरे दादा तुन्ना दादा तेरे
प्रकार से हम लय को ऐसे बांटते हैं ठा दुगुन चौगुन और अठगुन में। इसके लिए रियाज जो है वो आपको ठा में करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दुगुन में। आपको आज मैंने पांच बोल धाधा तिरकिट के बताए हैं, ये नया कायदा शुरू हुआ है। अब आप अगर समझ गए हैं तो या तो बजा के सुनाइए मुझे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे हाथ इरेज करके पूछ सकते हैं। ये इधर लास्ट में सेकेंडरी PSF BSF है, BSF सेकेंडरी रेसिडेंशियल कदम तला उनके सवाल हैं। धाधा होगा या ताटा? जो फर्स्ट टाइम बजेगा वो धाधा होगा, धाधा तिरकिट धाधा तुन्ना। सेकेंड टाइम जो खाली का होता है उसमें ताता तिरकिट धाधा तुन्ना होगा। ये दो बोल के एक बंदिश है, धाधा तिरकिट धाधा तुन्ना देन ताता तिरकिट धाधा तुन्ना। ओके वेलकम। उदयगिरी जी पूछिए बेटा। धाधा तिरकिट में क्या फायदे हैं? क्या फायदे हैं? देख बेटा, इसके फायदे ये हैं कि अगर आप ये बोल बजा करके और रियाज करते हैं तो आपकी फिंगरिंग जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी और आप तबले के और भी कोई भी प्रकार के बोल जो हैं वो बजा पाएंगे। इसलिए ये कायदा रियाज किया जाता है। अभी जैसे मैंने इससे पहले वाले सेशन में टेटे का कायदा बताया था और वो प्योरली सिर्फ टेटे था उसमें और कोई भी बोल मिक्स नहीं थे, तो वो टेटे के हिसाब से फिंगरिंग का रियाज हुआ। अब तिरकिट के हिसाब से बाकी फिंगरिंग के भी रियाज होंगे, प्रैक्टिस होगा। तो फिर आगे जब हम और बढ़ेंगे तो टेटे और तिरकिट के मिक्स बोल आएंगे, ऐसे कायदे आएंगे। अभी तो मैं इसीलिए डिफाइन कर रहा हूँ एक एक बोलों के अलग अलग कायदों को कि टेटे का अलग कायदा है और तिरकिट का अलग कायदा है, और ये बजाने से आपके हाथ जो है वो संतुलित रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे और आप अच्छा तबला बजा सकेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? केवी उदलगिरी आपको समझ आ गया बेटा? ओके ओके। ये केवी उदलगिरी से और कोई क्वेश्चन है उनसे बात करवा दीजिए। इसमें 16 बीट है बेटा और ये तीन ताल का कायदा है। मैं अभी तीन ताल को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि तीन ताल में ही इतने कायदे हैं और इतने रेले हैं और इतने टुकड़े हैं, इतनी तिहाइयाँ हैं। केवी अवाड़ी, यस क्वेश्चन प्लीज। कौन सा बेटा? आप सी शार्प का तबला लीजिए, जो स्वर है वो पहली काली, जिसको हम वेस्टर्न में सी शार्प कहते हैं, पहली काली का तबला सी शार्प का, वो लीजिए और उस पर रियाज कीजिए। ठीक है? ओके वेलकम। देव समाज
धाधा तिरिकिट 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 आपको मैंने बताया है और अभी मैं फिर बताऊंगा, लेकिन अगर आपको मेरी ये क्लास दोबारा से देखनी है तो हमारा वेबसाइट है www.r2rvirsa.in। इस पे आप जाएंगे तो पीछे की मेरी सारी क्लासें आप देख पाएंगे, और अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा मेल आईडी है, ईमेल आईडी school@r2rvirsa.in। अभी मैं आपको वो तिरकिट तिरकिट बजा के बता रहा हूँ, आप देखो ये जब हम तिरकिट तिरकिट बजाते हैं तो एक तो कम लय में बजाना, आप पहले दुगुन की लय में बजाना, धा धा तीरे कीट तीरे कीट तीरे कीट, तो ये रिपीट हो रहा है मिडिल रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को मिला के। इधर से हम शुरू कर रहे हैं ती र की ट, फिर यहीं से ती र की ट, फिर यहीं से ती र की ट, ऐसे जाएगा और पूरे बोल होंगे धा धा तीर कीट तीर कीट तीर कीट, ठीक है, धा धा तीर कीट तीर कीट तीर कीट, फिर धा धा तीर कीट धा धा तुन ना, ठीक है, आपको समझ में आया? ओके, और कोई सवाल अगर आपके मन में आता है इस कायदे से जुड़ी या तबले से और भी जुड़ी कोई बातें आप जानना चाहते हैं तो आप अपने हाथ इरेज करके और मुझसे पूछ सकते हैं। तबला वैसे आधुनिक वाद्य में आता है, यस, कदम तला, BSF रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी रेसिडेंशियल कदम तला। यस, फिंगरिंग का अंतर होता है, बोल का भी अंतर होता है। अब अगर ये दिल्ली घराने में तिरकिट बजाएंगे तो हम बजाएंगे धा धा तीर कीट, तो बीच की उंगली से तिरकिट बजाते हैं दिल्ली घराने में या अजराड़े घराने में या फरुखाबाद घराने में, ती र की ट ऐसा बजता है, ती र की ट, ठीक है। तो घराने में फिंगरिंग का पहले तो डिफरेंसेस आता है और बोल के भी फर्क है, हर घराने के कुछ अपनी खासियत है। इसको मैं जब आप से थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें बता लूँगा तो घरानों पे डिस्कस करूँगा, और हर घराने की अपनी कुछ खासियत है। जैसे दिल्ली घराने में सीधे बोल बसते हैं टेटे तिरकिट के धीर धीर के, लेकिन अगर अजराड़े घराने में यही बोल होंगे तो वो सब आड़ी लय के, ये चूंकि ये ऊंचे क्लास का क्वेश्चन आपने कर लिया है घराने से, लेकिन ठीक है, घराने में फर्क बोलों से है, उनके स्टाइल से है, एक्चुअली स्टाइल चेंज होते हैं घरानों में, इसलिए डिफरेंसेस आते हैं। तो अजराड़े घराने में ज़्यादातर आड़ी लय के कायदे बजाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हम तिगुन की लय बनाते हैं उस लय में वो ज़्यादा बजाते हैं कायदे, और फरुखाबाद घराने में गतें ज़्यादा बजती हैं तो वहाँ की गतें मशहूर हैं। तो हर घराने की कुछ ख़ास ख़ास चीज़ें हैं, मशहूर हैं, वो उनके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, और फिंगरिंग के भी चेंजेस आते हैं बोलों में, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके ओके, केवी केवी अवार्डी बेटा, ये फायदे हर बोल बजाने से होता है, क्योंकि अगर आपको तबला बजाना है
तो हर प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ कायदास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ तिहाइयाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टुकड़े, डिफरेंट टाइप ऑफ परन, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो तिरकिट बजाने से आपके हाथ तैयार होते हैं, हाथ उंगलियों में वेट आता है, स्ट्रांग होते हैं और आप साउंड क्लियरली प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो तिरकिट बजाने से ये फायदा होता है कि आप तबला अच्छा बजा पाएंगे अगर ये कायदा रियाज करेंगे। तो आपका आंसर मिला आपको? ओके, केवी उदलगिरी, केवी उदलगिरी, यस यस। नहीं बेटा, ये तो तीन ताल है और तीन ताल में ये मैं दूसरा कायदा बता रहा हूं। तो एक ताल में कई प्रकार के कायदे होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने पहले सेशन में आपको तेटे के कायदे बताए हैं, अब ये तिरकिट का कायदा है। अब जब ये मैं कंप्लीट कर लूंगा तिरकिट का कायदा, देन आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद धीर धीर किट तक का कायदा आपको बताएंगे, फिर तिरकिट और तेटे के मिक्स बोल के कायदे बताएंगे, ताकि आपके हाथ पूरी तरह बैलेंस्ड हों और आप एक अच्छे तबला वादक की तरह बजा पाएं, अच्छे तबला वादक बन पाएं। तो ताल एक ही है, ताल तीन ताल है इसमें, लेकिन कई प्रकार के कायदे आएंगे और कितनी तिहाइयाँ आएंगी और कितने टुकड़े आएंगे और कितने परन आएंगे, इस प्रकार किसी एक ताल में बहुत सारा मटेरियल है जो एक समय में सीखना इम्पॉसिबल है। तो वो धीरे धीरे ही सीख सकते हैं, नाउ स्लोली देन गो, इस तरह से तिरकिट भी ये एक कायदा है तीन ताल में। तो ऐसे कई कायदे आएंगे आपको तीन ताल में, ताल एक ही है, ताल अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया केवी उदलगिरी? आपको समझ में आया बेटा? ताल बजा के दिखाई दे। क्या? कौन सा ताल? एक कोई ताल बजा के दिखाऊं? तो जैसे अभी मैं तीन ताल में आपको कायदा बजा के कायदा सिखा रहा हूं, तो मैं तीन ताल बजा के आपको बताता हूं। तीन ताल का ठेका, इसमें 16 बीट्स होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। आप थोड़ा पीछे रहिए, हाँ, 16 बीट्स होते हैं तीन ताल में, 16 मात्राएं, और चार विभाग होते हैं, 4 काइंड्स, हर विभाग में चार चार मात्राएं होती हैं, और इसमें तीन ताली होती है और एक खाली होती है, और इसके बोल हैं इस तरह, हम ताली लगाते हैं ताल का, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब मैं काउंट करके बता रहा हूं 16 बीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो तीन ताल इस तरह से है, अब मैं आपको बजा के बताता हूं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये है आपका, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये BSF रेसिडेंशियल कदम तला, कौन क्या बजा के सुनाऊं? रेला, रेला क्या? रेला,
ओके। अब जैसे मैं आपको तिरकिट का ही एक रेला बताता हूं। रेला एक्चुअली किसी एक बोल को जब हम बहुत फास्ट बजाते हैं 8 गुन की लय में, जिसको हम रॉ कहते हैं उसे रेला कहते हैं। जैसे धा तेरे केटे तक, तेरे केटे धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, तेरे केटे ता तेरे केटे तक, तेरे केटे ता तेरे केटे तक, ता तेरे केटे तक, तेरे केटे। को सुनाए, ठीक है? नाउ योर क्वेश्चन कंप्लीट। ओके वेलकम देव समाज। यस नाउ योर क्वेश्चन प्लीज। तिरकिट का रेला, तिरकिट रेला। ओके लेकिन बेटा मैं रेला आपको बता तो दूंगा अभी, लेकिन आप का तबला कहाँ है? ओके अभी जो मैंने आपको क्रिकेट के कायदे बताए, आप क्या उसको समझ पाए? वो बजा के सुनाएंगे मुझे? मैं रेला आपको बता रहा हूँ देव समाज, ये तिरकिट का ही रेला है। अगर हम सिर्फ धा तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, धा तिरकिट तक को ही अगर हम तेज बजाते हैं तो उसको हम रेला कहते हैं, क्योंकि रेला का मतलब होता है रौ, रेल, रेल जो कि तेज चलती है। तो उसी रेल से हमारे ताल में रेला शब्द का उपयोग हुआ है, जो तेजी से बजता हो। तो हम धा तेरे किट तक का रेला आपको सुना रहे हैं। धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक।
केला, और किसी भी बोल को जब हम तेज बजा करके और रॉ में उसको ले जाते हैं रेल की तरह बिल्कुल तेज, तो रेला कहलाता है। ये क्या देव समाज हमसे जुड़े हुए हैं? तो आपका आपके सवाल पूरे हुए? ओके, आप हमारे वेबसाइट पे जा करके हमारी पिछली सारी क्लासें और ये जो अभी मैंने बताया वो सब देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, आवर वेबसाइट www.r2rvirsa.in। और अगर आपके कोई सवाल हो तो हमारा ईमेल आईडी है school@r2rvirsa.in। तो आप वेबसाइट पे जाके और हमारी सारी क्लासें फिर से देख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू बाय।